दोस्तों हमारा जो स्विच बोर्ड है उसमें चार स्विच लगे हुए हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों, एक लिंक ले लूँगा और इसमें इस तरीके से ये दोनों स्विच, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं ये दोनों स्विच में मैंने लिंक लगा दिया। अब एक ब्लैक वायर का टुकड़ा लूँगा मैं, जो 5 पिन है उसके एक पॉइंट में लगा दूँगा, ठीक है, 5 पिन के पॉइंट में लगा दिया, और दूसरे वाले पॉइंट को मैं 2 पिन से कनेक्ट कर दूँगा इस तरीके से। अब एक रेड वायर का टुकड़ा लूँगा इस तरीके से, और उसको मैं 5 पिन का दूसरा वाला पॉइंट है उसमें इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा। अब इस वायर को मैं इस स्विच के किसी भी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब एक दूसरा रेड वायर लूँगा मैं और उसको 2 पिन से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इस वायर को मैं इस स्विच से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूँगा इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एक रेड वायर का टुकड़ा लूँगा मैं, ठीक है, उसको इस स्विच से कनेक्ट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। अब इस वायर को मैं ये वाले स्विच से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कनेक्शन कर दिया। अब ये इंडिकेशन लाइट है, ठीक है, अब इंडिकेशन के एक वायर को मैं इस पॉइंट से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, स्विच के इस पॉइंट से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब इंडिकेशन के दूसरे वायर को मैं इस पॉइंट से कनेक्ट कर दूँगा, 5 पिन में जो लिंक लगा हुआ है ब्लैक वाला, उससे मैं कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अब बोर्ड में सप्लाई के लिए एक न्यूट्रल वायर और एक फेस वायर लूँगा, ठीक है, ये सप्लाई वायर है। अब ये जो सप्लाई वायर है उसको न्यूट्रल से न्यूट्रल को कनेक्ट कर दूँगा, ये ब्लैक वाला लिंक अपना न्यूट्रल वायर है, उसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा। अब जो रेड वाला वायर है फेस वायर, उसको मैं जो ये लिंक लगा हुआ है रेड वाला उसमें कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा कनेक्शन हो गया 5 पिन के लिए, 2 पिन के लिए और इंडिकेशन के, ठीक है दोस्तों। जैसे हम सप्लाई देंगे तो हमारा इसमें पावर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये स्विच में पावर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये दो स्विच में हमारे घर में यूज़ होने वाले LED बल्ब का कनेक्शन करूँगा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों LED बल्ब की प्रोटेक्शन के लिए मैं एक कैपेसिटर का यूज़ करूँगा। एक कैपेसिटर कैसे हमारे LED बल्ब को प्रोटेक्ट करेगा वो मैं बताता हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे घर में कभी कभी वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाता है, मतलब फ्लक्चुएशन होने लगता है, हमारे घर में कभी पावर फ्लक्चुएशन होने लगता है, मतलब वोल्टेज कम ज़्यादा होगा। दोस्तों जो हमारा ये कैपेसिटर है ये वोल्टेज को बराबर रखेगा, मतलब हमारे LED को ये प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए इसका यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि हम इस कैपेसिटर का यूज़ करते हैं तो ये कुछ दिन चलने के बाद ये इसका जो वैल्यू है, अभी देखिए ये 2 MFD का कैपेसिटर है, कुछ दिन चलने के बाद ये कम वे हो जाएगा, मतलब इसका जो वैल्यू है ये वीक हो जाएगा। तो जैसे हम फैन में इसको चेंज करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको यदि हम लगाते हैं तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं दोस्तों एक फिल्म कैपेसिटर का यूज़ करूँगा, ठीक है दोस्तों, इसका यूज़ नहीं करूँगा, एक फिल्म कैपेसिटर का यूज़ करूँगा। ये सेम रेटिंग का है, ठीक है, ये दोनों सेम रेटिंग का है, ठीक है दोस्तों। ये फोटो मैं आपको साइड में दे देता हूँ, अभी बराबर दिख नहीं रहा है, देखिए ये सेम रेटिंग का है। यदि हम इसका यूज़ करते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए चलेगा, इसका वैल्यू कभी वीक नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कैपेसिटर के एक पॉइंट को मैं इस स्विच में कनेक्ट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है, और दूसरे वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ पर जो ये लिंक लगा हुआ है उसमें कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका कनेक्शन करना है। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट मैंने इस स्विच में लगाया और दूसरा वाला पॉइंट इसमें लगाया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो फेस है इस कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा फेस वायर है तो इस कैपेसिटर के द्वारा यहाँ पे हमारा फेस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं LED बल्ब को कनेक्शन करके बताता हूँ। तो ये बल्ब का हमारा फेस वायर है तो इसको इस स्विच में कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, ये दूसरा न्यूट्रल वायर है इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, ये अपना न्यूट्रल पॉइंट है तो उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। हमारा जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हमारे LED बल्ब में चल जाएगा, और जो हमारा जो फेस है वो कैपेसिटर से होते हुए ये स्विच से होते हुए हमारा LED बल्ब में चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने कनेक्शन किया, ठीक है, ये एक LED बल्ब का कनेक्शन हो गया। अब दूसरे LED बल्ब का कनेक्शन इस स्विच से कर दूँगा, ठीक है, ये 2 LED बल्ब का कनेक्शन हो गया। दोस्तों हमारा जो कैपेसिटर है वो 2 MFD का, ठीक है दोस्तों, तो 2 LED बल्ब के लिए। दोस्तों यदि आप 2 से ज़्यादा LED बल्ब कनेक्शन करोगे तो 4 MFD का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 2 LED बल्ब का कनेक्शन किया तो मैंने 2 MFD का कैपेसिटर लगाया, ठीक है। अब मैं, ठीक है, बोर्ड में सप्लाई दे दूँगा,
ये हमारे बोर्ड में सप्लाई आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब जैसे अभी हमारा स्विच ऑन है तो देखिए इसमें सप्लाई आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये कैपेसिटर से होते हुए हमारा फेस यहाँ पे आ रहा है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।